आज हम गया के एक ऐसे हॉस्पिटल में आए हैं जहां पर किताबों का इलाज किया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि गया के मध्य विद्यालय डेहरी में एक बुक हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है, जहां पे बच्चों के द्वारा जो फटी पुरानी किताब होते हैं उसका इलाज किया जाता है। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ के बच्चे जो हैं वो फटे पुराने किताबों का जो है वो सिलाई कर रहे हैं या फिर उसका मरम्मती करवा रहे हैं, ताकि इस किताब का जो इस्तेमाल हो वो बच्चे जो है वो उसका कर सके और अपने पढ़ाई में इसका इस्तेमाल कर सके। बता दें कि 10 दिन पहले जो है स्कूल के प्रधानाचार्य और यहाँ के शिक्षकों के सहयोग से इस बुक हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है, ताकि वैसे बच्चे जिनके पास किताब उपलब्ध नहीं है वह इस बुक का इस्तेमाल करके वो जो है इससे पढ़ाई जारी रख सके। हमारे साथ यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से बुक हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। हॉस्पिटल में कैसे आइडिया आई, क्यों इसकी शुरुआत की गई है? एक्चुअली आइडिया आई कि अभी आपको पता होगा कि सरकारी विद्यालय में किताब जो हैं वो सही समय पे नहीं मिल पाते हैं, और जो किताबों की संख्या भी होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आती है। तो हम लोगों के दिमाग में ये बात आई कि क्यों नहीं है, जो पुराने फटे पुराने जो बुक्स हैं जो पिछले साल बच्चे पढ़े उस किताब को उनसे ले करके और किताब तत्काल बच्चों को उपलब्ध करा दिया जाए। तो इसी सोच के साथ जो है से ये बुक हॉस्पिटल का कंसेप्ट हम लोग दिमाग में आई और उसकी शुरुआत की गई। जो पुस्तकालय के जनक हैं डॉक्टर एस रामनाथन, उनका पूरा नाम है, तो उनके जन्मदिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो बच्चे को किताब नहीं मिल पा रहा था समय से, या बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको समय पे किताब नहीं मिल पा रहा था, तो वैसे बच्चों को इसके माध्यम से किताब जो है से उपलब्ध करा दिया जा रहा है। तो अब विद्यालय के सभी बच्चों को बुक मिल चुका है इसके माध्यम से? हाँ, लगभग सभी बच्चों को पुस्तक मिल चुकी है। जो नई किताबें आई तो पहले उन बच्चों को मिला, बाकी जो शेष बच्चे थे तो ई बुक हॉस्पिटल के माध्यम से बाकी बच्चों को किताब जो है उपलब्ध करा दी गई है। तो हमारे साथ यहाँ के शिक्षक थे, हम बच्चों से ये बात करेंगे कि बुक हॉस्पिटल में उनका क्या रोल है और किस तरह से बच्चे जो यहाँ पर है बुक हॉस्पिटल में काम करते हैं। कल स्कूल में शुरू हुआ है, आप लोगों का क्या काम होता है यहाँ पे? हम लोगों का काम होता है कि बुक जो फटे पुराने रहते हैं और यहाँ बुक रहते हैं, और कुछ बच्चों के घर से बुक मंगवा कर और हम लोग बुक को फिर मरम्मत करते हैं और जो बुक बैंक में जमा करते हैं, और बुक बैंक में जमा इसी के माध्यम से फिर बच्चों को बुक देते हैं। हमारे स्कूल में 53% बच्चों को बुक मिल गया है। हाँ, मतलब इससे मरम्मती करने के लिए मिला है। हाँ, नया बुक भी पहले भी मिला होगा बच्चों? हाँ, जो वहाँ से सर लाए थे वही वाला बुक मिल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब खातून है, मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। तो हम अभी मौजूद थे गया के मध्य विद्यालय डेहरी में, और यहाँ पर स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के सहयोग से बुक हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है, और यह जो है एक बेहतर पहल है कि जिन बच्चों को किताब नहीं मिल पाई थी वहाँ पे जो है बच्चों को मरम्मती करने के बाद बच्चों को किताब उपलब्ध कराया जा रहा है। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार।